नमस्कार। जैसा कि आपको पता था, औरंगाबाद के नबीनगर के मामले में, जिसमें श्रेया हत्याकांड रेप प्लस हत्या का मामला था, और पहले तो पुलिस ने लीपापोती की, उसके बाद पुलिस ने वादा किया था महिला विकास मंच से और वहां की जनताओं से कि हमें एक हफ्ते का समय दीजिए, हम इसको निष्पक्ष जांच करके आपके सामने। अब ये बात समझ में आ गई हमें कि आप डिले क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये एक होटल का मालिक का बेटा था और कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ चुका था प्रशासन के। अगर मंत्री जी इस पे, संतोष जी प्रॉपर आवाज नहीं उठाते या हम लोग आवाज नहीं उठाते तो इस चीज को दबा दिया। बहरहाल 10 दिन के बाद ये मामला शॉर्ट आउट हुआ। असली कल्प्रिट जो गुनहगार थे वो पकड़े गए, धर्मेंद्र कुमार सिंह और राकेश कुमार, दोनों अपने भाई थे और दोनों ही अपने भाई ने श्रेया का किडनैप किया, उसको वहाँ के मैरिज हॉल, एक होटल है, होटल का मालिक था, का बेटा था, ये दोनों अपने होटल में ले जाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसकी हत्या करके उसको इंद्रपुरी डैम में ले जाके फेंक देते हैं। अब महिला विकास मंच प्रशासन से, सरकार से, न्यायालय से ये गुहार लगाती है हाथ जोड़ के कि हमारे टैक्स के पैसे से उसे भोजन ना करवाए रख करके हिरासत में, सख्त से सख्त उसको कार्रवाई करके उसको सजा देने का काम करे, और वो भी हमें ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, हमें निर्भया की तरह 7 साल नहीं चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो बोल रही है ना, टैक्स के पैसे से नहीं खिलाएंगे, करेंगे वही करेंगे, लेकिन जनता को चाहिए कि सबसे पहले वो होटल को जला, होटल में आग लगा दे, हटाइए ऐसे लोग रहने नहीं। गैर कानूनी तो अपराध भी था, गैर कानूनी तो हत्या भी थी, हुई ना पूरी औरंगाबाद नवीनगर जनता जाइए और उस होटल को जला के धुआं धुआं कर दीजिए। महिला विकास मंच आपके साथ खड़ी है, जाएंगे आगे होना चाहिए, आगे आइए और इस तरह से जो दुष्कर्म करे ना उनके पूरे परिवार पे, क्या आपने संस्कार किया? दो चलाए ना सरकार, हाँ, दो भाई मिलकर किया, बहुत गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि बिल्कुल नवीनगर मामले में उस होटल पे बुलडोजर चलवा दीजिए, चलवाना चाहिए, नहीं चलाएं। जिस तरीके से इस घटना का पूरा पर्दाफाश किया गया है, निर्भया की तरह 7 साल ना लगाए, इसे जल्द जल्द से जल्द, जैसे हमारे बीच जैसे निर्भया नहीं रही, हमारे बीच जैसे श्रेया नहीं रही, उसी तरह हमारे बीच ये दोनों कातिल भी नहीं रहना चाहिए। हमें मौत के बदले मौत चाहिए, और नवीनगर में जिस तरीके से इतनी बड़ी दुर्घटना दिया, एक नाबालिग लड़की के साथ घटना किया है, ऐसे ऐसे लोगों की मनोबल जो बढ़ चुकी है, अगर सख्त कार्रवाई होगी और जल्द होगी तो आने वाले समय में हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं।